बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ अपने आज के टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ द विटनेस। इम्पीचमेंट कहते हैं कि किसी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना, यानी कि किसी की एक्यूरेसी के बारे में कोई सवाल उठाया जाए कि क्या अगर ये बंदा गवाही दे रहा है तो ये कितनी एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो उसको इम्पीच किया जाए, उसको गलत साबित किया जाए, और उसको गलत साबित करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। इम्पीच का बेसिकली मतलब होता है उसको हटा देना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इन प्रूविंग मैटर्स इट इज़ क्वालिटी ऑफ विटनेस विच रियली मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी। सो द लॉ हैज़ गिवन ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू द क्रेडिट ऑफ विटनेस विच मस्ट बी प्रूव्ड ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। कहा यह गया है इंट्रोडक्शन में कि जो मेन प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का या कानून का, वो तो यही है कि जो ट्रस्टवर्दी और ट्रूथफुल यानी कि सच्चे और काबिल एतमाद गवाह हैं उन्हीं की गवाही को कंसिडर किया जाए। मेन चीज़ गवाहों की क्वालिटी को देखना है, ना कि उनकी क्वांटिटी को देखना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 141 एंड 151 ऑफ QSO 1984। क्रॉस रेफरेंस है आर्टिकल 140 ऑफ QSO 1984। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म इम्पीचमेंट। ब्लैक क्लास डिक्शनरी कहती है द आर्ट ऑफ चैलेंजिंग द एक्यूरेसी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस। कि किसी एविडेंस की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना जो है वो इम्पीचमेंट कहलाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म क्रेडिबिलिटी। द क्वालिटी दैट मेक समथिंग वर्थ ऑफ बिलीफ। वो चीज़ जो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को ट्रस्टवर्दी बनाती है, इस काबिल बनाती है कि उसको बिलीव किया जाए, तो हम उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। एक्चुअली जो इम्पीचमेंट है वो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को ही चैलेंज करने का नाम है। अब हम देख लेते हैं कि कौन जो है वो क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। हु मे इम्पीच अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय एडवर्स पार्टी, यानी कि ऑपोजिट पार्टी, जो दूसरी जो अंगेंस्ट है पार्टी वो, या मुखालिफ पार्टी कह लें उसको, या फिर पार्टी कॉलिंग द विटनेस, या वो बंदा जिसने खुद पार्टी को विटनेस के लिए या गवाह को गवाही के लिए बुलाया। मोड्स ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब किन किन तरीकों से एक जो गवाह है उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे जो है ना इम्पीच किया जा सकता है, तो हम वन बाय वन इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्टेप्स कह लें या कुछ मोड्स कह लें, हम उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। द क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जो पार्टी है या एडवर्स पार्टी है उसका जो एडवोकेट होगा या जो उनका लायर होगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी को उसको चेक कर सकता है। बाय एविडेंस ऑफ अदर पर्सन। द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय द एविडेंस ऑफ अदर पर्सन हु टेस्टिफाइज जनरल करेक्टर दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। तो थर्ड पर्सन आके गवाही देता है कि जो विटनेस है या जो गवाह खान है आपका, ये इसका जो करेक्टर है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो भी उसकी इम्पीचमेंट की जा सकती है इस तरह से भी। बाय एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज़ बीन ब्राइब्ड, यानी उसने रिश्वत ली है, एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ब्राइब, या उसने रिश्वत लेने की जो ऑफर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, या उसने कोई भी ऐसी चीज़ जो करप्ट है उसको एक्सेप्ट किया है गवाही देने के लिए। बाई प्रूफ ऑफ प्रीवियस इनकन्सिस्टेंट स्टेटमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाई प्रूविंग हिज प्रीवियस स्टेटमेंट इनकन्सिस्टेंट विद एविडेंस विच इज़ लाइबल टू बी कंट्राडिक्टेड। अब एक बंदा है, एक दफ़ा तो उसने कोई और बात कर दी है अपने जो गवाही के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपने स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी जगह पर उसने कोई और बात कर दी है, तो अपनी स्टेटमेंट में ही इनकन्सिस्टेंट है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसकी जो विटनेस होगी उसको जो है ट्रस्टवर्दी या ट्रूथफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जी है आगे बाई एविडेंस ऑफ जनरल इमोरेलिटी। वन ए मैन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर रैप आर एनी अटैम्प्ट टू रैविश
इट मे बी शोन दैट द प्रोसिक्यूटिक्स वाज ऑफ जनरली मॉरल करेक्टर. अगर एक बंदे के ऊपर जो है उसके ऊपर जना का इल्ज़ाम है और उसकी उसके बारे में कोई गवाही दे रही है, तो अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि जो प्रोसिक्यूटिक्स है उसका ही जो करेक्टर है वो इमॉरल है, तो इससे भी उसकी जो गवाही है या विटनेस है उसको इम्पीच कर दिया जाएगा, उसकी गवाही को सच्ची गवाही कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो आज का हमारा टॉपिक यही था, छोटा सा टॉपिक था और वैसे भी इजी था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था. तो बाकी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर हम कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. और जाने से पहले वही आखिर छोटी सी बात कि जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, यही ज़िंदगी है. तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़.